थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सह चिकित्सकीय संवर्ग में रतलाम मेडिकल कॉलेज के अंदर एक वैकेंसी निकली है, जिसके अंतर्गत ये निम्नलिखित जो है विश्लेषण दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 803 स्थापना अराज 2018 भोपाल दिनांक 20/9/2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 2/20/2020-155 भोपाल दिनांक 17/11/2020 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर शासकीय महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 17/9/2021 सायं 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है, इसमें पदों का विवरण आपको बता देता हूँ। स्पीच थेरापिस्ट के 2 पद हैं, फिजियोथेरापिस्ट के 2 पद हैं, रेडियोग्राफर के 5 पद हैं, डेंटल टेक्नीशियन के 4 पद हैं, डार्क रूम असिस्टेंट के 4 पद हैं, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर के 2 पद हैं, अनारक्षित का 1 है और 1 ओबीसी का है। लैब अटेंडेंट के 23 पद हैं, फार्मासिस्ट के ग्रेड 2 के 15 पद हैं, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन के 2 पद हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के 2 पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के 5 पद हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट 17, लेबर टेक्नीशियन 14 और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 1 पद है। इस प्रकार जो कुल पदों की संख्या है वो आप कैलकुलेट करके बता, 20% जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए इस प्रकार से पद आरक्षित हैं। लेब अटेंडेंट के 6 पद हैं, लेब टेक्नीशियन के 3 पद, ओटी टेक्नीशियन के 2 पद। इस प्रकार से जो है रतलाम मेडिकल कॉलेज में, जो कॉलेज में आपके जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में जो अभ्यर्थी जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स किया है उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें अब आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फार्मेसी का कोर्स कौन से मेडिकल कॉलेज में होता है, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर का कोर्स किस मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है, और आपको अगर लगता है कि इन सभी में से जो कोर्स हैं मेडिकल कॉलेज में संधारित या रनिंग में नहीं है, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लैब अटेंडेंट का कोर्स कौन से मेडिकल कॉलेज में होता है, आप इस बारे में ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। रतलाम मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार से एक भर्ती आमंत्रित की गई है, केवल जो है पैरामेडिकल कोर्स जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज से किया उनके लिए। तो मतलब जो अदर मेडिकल कॉलेज से जिनने पास आउट हैं या जो फार्मेसी कॉलेज से पास आउट हैं, जो लोग अदर जो हैं प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं, वे लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। और मैंने जो 2 क्वेश्चन किए हैं, फार्मासिस्ट का कोर्स किस मेडिकल कॉलेज में कराया जाता है, और टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर का कोर्स किस मेडिकल कॉलेज में कराया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये विज्ञप्ति 17/9/2021 तक आमंत्रित की गई है। आप लोग जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं पैरामेडिकल कोर्स किए हुए, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यही नोटिफिकेशन ऑफ MP आपके लिए लेके आया है। जय हिंद। जी अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। एक विशेष सूचना है, नॉन एकेडमिक का पेपर जो देने वाले हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन रतलाम में स्थित एक कोचिंग संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है। मैं नंबर उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 7 से 8 पेपर व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाकर उसके अंदर वो
शेयर किए जाएंगे और उसके बाद में आपको 2 घंटे बाद में उसकी आंसर की दे दी जाएगी। आप लोग नीचे दिए गए कमेंट में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उस नंबर पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि इसके लिए शुल्क जो है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जो लोग इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप सीधे जो हैं मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।